बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग नाज़रीन? अल्लाह के फजल व करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। अल्लाह पाक अपनी रहमतों की बारिश आप पर इसी तरह करता रहे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम आपके सामने एक ऐसी कुरानी आयत के जिक्र कर रहे हैं जिसको पढ़ने से आप देखेंगे कि जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी होगी वो बहुत जल्द, बहुत सेकंड में एकदम से ख़त्म हो जाएगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो आयत आप एक बार पढ़ेंगे तो ये काम होगा और वो दो बार पढ़ेंगे तो ये काम होगा। देखिए, अल्लाह की कुरानी आयतें इस कदर ज़बरदस्त पावरफुल होती हैं कि अगर हम उसका डेली का अमल बना लें तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकती। जैसे ही हम पढ़ाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो भी मुश्किल परेशानी आएगी वो एकदम से ख़त्म होती चली जाएगी। ये ऐसी आयत मैं आज आपको बता रही हूँ, अगर आपने इसको पढ़ना शुरू किया तो आप खुद देखेंगे कि चंद ही दिनों में ऐसे असरात बनना शुरू हो जाएंगे कि कोई भी मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, और जैसे ही आप सोचेंगे कि अल्लाह पाक की कैसे परेशानी दूर होगी, अल्लाह के फजल व करम से वो परेशानी ऐसे गायब हो जाएगी कि आप खुद ताज्जुब करेंगे कि ये परेशानी कैसे ख़त्म हो गई। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, परेशानी से मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी कोई भी दिक्कत परेशानी आ गई तो हम किस तरह उसे हल करेंगे, वो तो हल होगी ही होगी। छोटी मोटी परेशानी हो जाती है, जैसे हम बाहर निकल गए और अचानक से हमें ऑटो रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलती और हम परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह पाक क्या मसला है और कोई गाड़ी नहीं मिल रही, तो अचानक से आप सोचेंगे इतने में आपके सामने गाड़ी अल्लाह पाक के फजल व करम से आके खड़ी हो जाएगी। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस सूरत की इतनी ज़बरदस्त तासीर है कि अगर आपने रोज़ ये मामूल बना लिया, अपनी ज़िंदगी में इसे विर्द करना शुरू किया तो कोई भी चीज़ आप सोचेंगे, कोई भी परेशानी जो आपके सामने छोटी से छोटी बिल्कुल होगी, जो यूं ही आराम से दूर हो सकती है, वो एक सेकंड में दूर है कैसे होगी वो आप खुद देखेंगे, और बड़ी से बड़ी दिक्कत भी आपकी ज़िंदगी में आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसा ही अमल और ऐसा आयत है ये कि जिसे आपने पढ़ा तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह पाक किस तरह आपका पल पल हर वक्त आपके साथ खड़ा है इंशाअल्लाह। तो चलिए, सबसे पहले वीडियोस को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए चाहते हैं ऐसे ही आजमाए हुए वजीफे अमल लेके आते रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाएँ और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। चलिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ वो सूरत कौन सी है। देखिए, अरबी में, हिंदी में और इंग्लिश में मैंने लिखी हुई है, अलम नशरा की सूरत है। आपको ये विर्द करनी है। विर्द से मतलब है कि सुबह जब आप उठते हैं, बस आप सुबह उठने के बाद चलते फिरते जो भी आप काम करते हैं, चलते फिरते आप अलम नशरा की सूरत पढ़ते रहिए। इंशाल्लाह सुबह से शाम तक आप कई बार पढ़ लेंगे, कई हज़ार तो नहीं लेकिन हज़ार भी हो सकती है। जो इंसान जितनी बार पढ़े उतनी बार इसे पढ़ता रहे, विर्द करे ज़बान में, अपने काम करता रहे और अलम नशरा की सूरत वो विर्द करे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपको ऐसे असरात नज़र आएंगे कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल होगी, बस आप सोचेंगे और वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इतनी बेहतरीन आयत है ये, इतनी बेहतरीन सूरत है ये वाकई में, कि आप जब पढ़ेंगे ना तो आप खुद आजमा के देखिए और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका काम कैसे हो रहे हैं, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।